देखो तंत्र की जो बात, शास्त्र और तंत्र है ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उसको पढ़ते ही नहीं है। पढ़ने नहीं से क्या हो रहा है मालूम, हमें बहुत सारी चीजें हमको पता ही नहीं चल रही है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो ये जो आप ये तंत्र में भी देखोगे और शास्त्रों में भी देखोगे ना, तो कई जगह पर एक टॉपिक है जो अभी शायद किसी ने पूछा ना कि हमको एक लड़का चाहिए। तो अगर आपको एक लड़का चाहिए, आपको एक लड़की चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो उसमें पूरा सिस्टमेटिक दिया हुआ है कि आपको ये करना है, उसके बाद में ये करना है, ये पूजा करनी है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, फिर ये देखो नक्षत्र में ये ये टाइम में। मुझे किसी भी तरह एक मिनट में सबको म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो उसमें क्या हो जाएगा कि तरीके सब दिए हुए, लेकिन हमको जीना प्रॉपर जो नॉलेज है वो किसी ने नहीं दिया है, तो लफड़े यहाँ पर हो रहे हैं। इसी बीच में एक केस आया था प्रेगनेंसी को लेकर के, कि जहाँ पर एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे मिसकैरेज हुए या बच्चे का डिलीवरी के बाद में डेथ हो गया, अलग अलग चीजें हुई। तो फिर मैं उसके ऊपर ढूंढ रहा था, मेरे को बड़ा लगा, दिल पे लग गया कि ऐसा कुछ नहीं है क्या शास्त्रों में जहाँ से इन चीजों का फायदा हो सके। तो फिर बहुत कुछ इधर उधर किया, तो वहां से कुछ चीजें मिली मुझे, तो वही चीजों पे आप आज अपन बात करेंगे। आपको ताज्जुब होगा, नॉर्मली हमारी जो डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी हमारी हो जाती है 9 महीने में बोलते हैं, बट एक्चुअली में इसका कट टू कट टाइम शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, 9 महीने और 9 दिन, जो हमें नहीं पता है। ठीक है ना, 9 महीने 9 दिन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, 9 महीने और 9 दिन डिलीवरी का टाइम होता ही है। ठीक है ना, नॉर्मली जो स्टैंडर्ड टाइम है। और दूसरा क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं ऑकल्ट की बात करो या फिर आप समझो ज्योतिष की बात करो, वास्तु की बात करो, तो लोग भरोसा करते हैं नहीं करते हैं, जो भी है, इसके चक्कर में कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग ध्यान देते नहीं है और बच्चा कमजोर पैदा होता है, कई बार है ना मेंटली वीक होता है, फिजिकली वीक होता है, उसमें कुछ बीमारियां होती हैं बचपन के टाइम पे। तो ये सारी चीजों को पहले से ही ठीक किया जा सकता है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, है ना? तो होता क्या है, देखो एक चीज, हमेशा आपने ये तो सुना ही है कि अभिमन्यु जो था वो गर्भ में था उस समय, कृष्ण भगवान ने उनको ये सिखा दिया था कि चक्रव्यूह भेदन की ट्रेनिंग दे दी गई थी, तो वो भी एक चैप्टर है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको प्लेनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले याद रखना, जब गर्भ ठहरता है मतलब, ठीक है ना, जब कंसीव जिस दिन हुआ, समझो आज कंसीव हुआ, वहां से लगा करके 1 महीने तक, है ना, जब भी कोई फीमेल या कोई बहन सिस्टर जब भी कंसीव होती है, तो 1 महीने तक का जो उसके पेट में जो भी प्रोसेस है, उसमें सबसे ज्यादा उस बच्चे के ऊपर इफेक्ट रहता है शुक्र का, शुक्र का इफेक्ट रहता है उसके ऊपर। अभी होता है क्या है मालूम है कि अगर शुक्र उस टाइम पे हमारा या तो अच्छा हो सकता है या मजबूत हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है ना, हमको नहीं पता, हमको ज्योतिष नहीं आता है, तो शुक्र या तो अच्छा हो सकता है बुरा हो सकता है, तो हमको पता नहीं कि हमारा शुक्र कैसा है उस टाइम पे। ठीक है ना, तो उसके लिए काम, और बड़ा ताज्जुब होगा कि आपने देखा होगा अपना क्या करते हैं पुराने जो लोग थे, और आजकल भी हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई फीमेल बोलती है कि मुझे कोई खट्टी चीजें खानी है, तो हम सीधा से एक मजाक में बोल देते प्रेग्नेंट है क्या। तो शुक्र को एक्टिवेट करने का, समझो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका गर्भ आज ठहरा या कल ठहरा, तो जैसे उसको पता चलता है कि आई एम प्रेग्नेंट, वहां से लगा करके डॉट 1 महीने तक उसको खट्टी चीजें ज्यादा खानी है, और उसको क्या करना है, अपने वीनस को, शुक्र को मजबूत करना है। इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा कि आपका बच्चा दिखने में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो दिखने में अट्रैक्टिव पैदा होगा, अच्छा पैदा होगा, शक्ल सूरत से जो बोलते हैं ना अपन, ब्यूटीफुल हैंडसम, ये चीज होगी। तो क्या करना है, गर्भ से लगा करके पहले महीने तक आपको शुक्र की चीजें खानी है, मतलब खट्टी चीजों का यूज करो। अगर आपको पता नहीं है हमको कि शुक्र अच्छा है कि नहीं है, खा लो, तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चा अच्छा पैदा होगा, फेस उसका अच्छा होगा, उसका बॉडी ठीक ठाक होगा, दिखने में वो खूबसूरत हो जाएगा, ये शुक्र का काम है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही 1 महीना पूरा हो गया, दूसरे महीने में आप क्या टारगेट करोगे, दूसरा महीना होता है बच्चे को मजबूत बनाने का, जब उसकी बॉडी तैयार होने की
शुरुआत होती है, उस टाइम पे हमें क्या करना है, मंगल का टाइम होता है उस समय, मंगल 9 नंबर है ना, दूसरे महीने में मंगल का इफेक्ट होता है। तो मंगल के इफेक्ट पे क्या करो आप, मंगल क्या करेगा, उसको मजबूत करेगा। तो उस टाइम पे दो चीजें करनी है आपको, क्या करोगे, मीठा खाना खाओगे दूसरे महीने में, है ना, उसमें गुड़ हो सकता है, मीठा शरबत हो सकता है, मीठी चीजें। इससे आपका बच्चा वीक नहीं होगा, मतलब हम आने वाले बच्चे को पहले से मजबूत बना रहे हैं। और क्या कर सकते हो, कपड़े आप डोनेट कर सकते हो, अगर कोई घर पे आ रहा है या कोई काम वाली है, कोई हेल्प कर रहा है ना, तो उनको क्या करो, कपड़े डोनेट करो दूसरे महीने में, आपको ये करना है। लाल वस्त्र, एक सेकंड, सॉरी यहाँ लाल वस्त्र डोनेट मत कर, सॉरी कपड़े डोनेट नहीं करने, कपड़े पहनने, और मंगल है तो रेड कलर के कपड़े आपको पहनने, उसको काट देना, वो गलत हो गया। 9 नंबर मंगल है, मंगल बोले तो लाल हो गया, तो लाल कपड़े आपको पहनने उस महीने में। कोशिश करो कहीं ना कहीं कि लाल चीजें हो जाए, या आपके ओढ़ने की चादर है उसमें लाल, मतलब आपकी बॉडी को लाल कलर ज्यादा से ज्यादा टच में रहे, ये टारगेट करना है। क्वेश्चन होंगे किसी के तो वो लिख के रख लेना, अपन लास्ट में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तीसरे महीने में आप क्या करोगे, तीसरे महीने में आपको एक चीज करनी है, जुपिटर का महीना है, तीसरा जो महीना होता है जुपिटर गुरु का महीना होता है, प्रेगनेंसी का थर्ड मंथ जुपिटर का है। तो गुरु क्या करेगा, दिमाग देगा, है ना, स्मार्टनेस जिसको बोलोगे, ज्ञान देता है, गुरु का काम ये है। तो उस समय आप क्या करोगे, येलो कपड़े तो ज्यादा पहनो, पहला चीज। और अच्छे जो फल अपना पकवान होते हैं, जो अपन खाना बनाते हैं ना, अच्छा जो टेस्टी खाना बनाते हैं, वो खाना मिठाई हो गया, दूध की चीजें, ये चीजें ज्यादा बना करके खाओ, मीठा दूध हो सकता है, ठीक है, मिठाइयाँ हो सकती हैं, या कुछ ना कुछ अलग अलग अच्छे फेवरेट जो हम लोग बनाते हैं होली दिवाली पे, मीठे मीठे बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो दूध मिठाई इन चीजों को थोड़ा ज्यादा टारगेट करो। अभी जाते हैं अपन नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ होगा हमारा, उसमें क्या करेंगे। गुरु तक हम लोग चले गए, इसके बाद में जो मंथ आएगा वो अपना आएगा सूर्य का, सूर्य सन, हाँ चौथा महीना, चौथा महीना सूर्य का होगा। सूर्य को, सूर्य क्या देगा आपको, एक अच्छा एक्सप्रेशन देगा, आप अपनी बात बोल पाओगे। कुछ लोग होते हैं ना, यहाँ पे सूर्य को समझ लो थोड़ा, कुछ बच्चे होते हैं जो मन में घुटते रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, थोड़ा सा एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, अपनी चीजें बोल नहीं पाता है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इनको सूर्य को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सूर्य को एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जितने भी जूस हैं जूस को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, जूस पीना है आपको उस मंथ में, आपको सिर्फ जूस पीना है ज्यादा से ज्यादा। चौथे महीने में आप जूस को ज्यादा पियोगे, अलग अलग टाइप के जूस पी लो, और उसके साथ में क्या करो, थोड़े से मैरून टाइप के या डार्क कलर के कपड़े पहनोगे आप। कैमरा तो ऑन करना ही मत हो आप लोग, यह बड़ी खासियत है हमारे धर्म ग्रुप की। अभी आते हैं पांचवें महीने पे, पांचवें महीने में क्या होता है, देखो
चंद्रमा एक्टिवेट होता है, मतलब जो बच्चा हमारे तैयार हो रहा है पेट के अंदर, उसमें क्या होने वाला है कि चंद्रमा का कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो क्या हो जाएगा, इमोशनली वीक हो जाएगा वो, है ना। कुछ बच्चे होते हैं हमेशा रोते धोते रहते हैं, इमोशनली इतने वीक होते हैं, थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो भी दिल पे ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, ये सब करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, दूध चावल और व्हाइट कपड़े, दूध चावल और व्हाइट कपड़ों पे ध्यान देंगे अपन। और ये करके देखना, इतना मजा आएगा ना आपको। सर, दूध चावल व्हाइट क्लॉथ का क्या करना है, पहनना पहनना है? है, पहनना है, अच्छा, देखो पहनना। पहनना किसको है, माँ को पहनना है, क्योंकि माँ अपनी बॉडी में जो चीज पॉजिटिव कर देगी वो बच्चे पे इफेक्ट करेगी ना। ठीक है। दही हो सकता है, दूध हो सकता है, चावल हो सकता है ना, सफेद चीजें या सफेद कपड़े, सिंपल ये ज्यादा धारण करूं। अभी आता है सबसे डेंजर, छठा महीना शनि का महीना। शनि जिसका वीक होगा उस टाइम पे तो क्या होगा, बच्चों की बच्चा हड्डियों से कमजोर होगा। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे ना पैदा होने के बाद में डेढ़ डेढ़ साल तक चल नहीं पाते हैं, है ना, वो चलने फिरने में उनको तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है, कैल्शियम कम है, ये सब बोलते हैं। अब ये कैल्शियम कहाँ से लाओ, तो ये डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर अपने को कैल्शियम की ट्रीटमेंट देता है, कैल्शियम खाओ। वो अपन टाइम टू टाइम जो चेकअप करवाते हैं उसमें ये लोग क्या करते हैं, कैल्शियम दे देते हैं, कैल्शियम की गोलियां और ये सब दे देते हैं। बट शनि के लिए हम क्या करेंगे, ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे छठे मंथ में। और इसमें भी अपन जूस को पियेंगे और कैल्शियम को टारगेट करेंगे। तो कैल्शियम में क्या आता है, कैल्शियम की जितने भी फ्रूट्स आते हैं खाने पीने में जो भी कैल्शियम है उसको ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे गोलियों पे कम डिपेंड रहें। आजकल के में क्या हो रहा है मालूम है, हमारा जो अपकमिंग आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सिर्फ गोलियों से पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वो पूरे 9 महीने है ना उस बहन को सिर्फ गोलियां दी जाती है, कैल्शियम खाना है, ये विटामिन है, फलना है, ढिमका है, नहीं करना है यार, हमारे पास में है भगवान की दया से, इतना तो हम टॉलरेट कर सकते हैं, महीने का 1000-2000 रुपये का तो खर्चा कर सकते हैं यार हमारे आने वाले बच्चे के लिए। पर इसमें है क्या, और ये सारे कलर लगभग फीमेल के पास में मिल ही जाते हैं, मल्टी कलर होते हैं, फीमेल के पास अलग अलग कलर की साड़ियाँ होती है, सब कुछ होता है, घर में ही है यार, कौन सा एक्स्ट्रा खर्चा है। और वैसे भी हम लोग एप्पल लाके खाते हैं, ये लाके खाते हैं, तो उसकी जगह ये चीजें खा लें, क्योंकि अभी हमको पता है शनि, तो शनि क्यों एक्टिवेट करना है, मजबूत हड्डियों के लिए, वो वीक नहीं होगा, अच्छे से चल पाएगा, फिर पाएगा, गलती से चलते चलते नीचे गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, तो ये क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं शनि वीक है, हड्डियां कमजोर है। और वैसे भी याद रखना, जो लोग चलते फिरते गिर जाते हैं हमारी एज के भी, बार बार फ्रैक्चर हो जाता है, गाड़ी से गिरते हैं, कार चलाते समय एक्सीडेंट करते हैं, अगर बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बार बार आप नीचे गिर रहे हो, बार बार आपके फ्रैक्चर हो रहे हैं, मतलब आपका शनि वीक है। इसीलिए आप जब पंडित के पास जाते हैं, पंडित बोलता है कि गाड़ी तेरे नाम पे नहीं ले सकते, वाइफ के नाम पे ले ले, बच्चे के नाम पे ले ले। रीजन क्या होता है कि उसका शनि अच्छा होता है, वाइफ का या बच्चे का, तो उसके नाम पे हमको बोला जाता है कि ले लो, है ना। ओके आप, अरे कैमरा ऑन करो ना बाबा जी, क्या हो जाएगा, कैमरा में दिख जाओगे तो क्या होने वाला है, यही तकलीफ है। मत करो, मैं निकाल रहा हूँ आप लोगों को, एक एक करके रिमूव कर रहा हूँ, जाने दो। उससे अच्छा ज्वाइन ही मत करो ना यार, आओ थोड़ा तो बात होगी, 10 सवाल होंगे तो कुछ ये होगा। अभी बात करते हैं 7वां महीना। 7वें महीने में क्या होता है, बुध का टाइम है ये, मरकरी का। इसको इसलिए कैमरा ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें और कनेक्ट कर पाऊंगा मैं, कभी आप लोगों को देख के भी कुछ बोलता हूँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं डायरेक्ट कुछ चीजें और भी बता सकता हूँ। देखो जब भी मरकरी की बात आएगी ना बुध की, बुध इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बच्चा बोलेगा कैसे, हक लाएगा, तुत लाएगा, ये हेडेक ही खत्म कर दो। 7वें महीने में ये डिसाइड होता है कि बच्चा बोलने में कैसा होगा, उसका कम्युनिकेशन कैसा होगा। आप लोगों में से जिन्होंने एडवांस न्यूमरोलॉजी ज्वाइन किया या जो आगे कल परसों से जो शुरू होगा उसमें पार्टिसिपेट करोगे, वहां पे अपन
प्लेनेट को अच्छे से समझेंगे तो प्लेनेट में 5 नंबर को यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि आप में से किसी का 5 नंबर मिसिंग है क्या? हाथ ऊपर करो। 1, 2, 3 और कोई? देखो 5 नंबर जब भी मिसिंग होता है ना, इसको कैसे पकड़ोगे आप लोग के समझो, कोई भी टॉपिक या तो हस्बैंड ने आपसे पूछा या वाइफ ने आपसे पूछा, इधर घर में किसी ने पूछा, ऑफिस में पूछा, कल कहाँ गया था रे, कल क्यों एब्सेंट था, तो यहाँ पे ये आदमी कैसे जवाब देगा? क्या हो गया, मैं एब्सेंट हो गया? तो वो राजेश भाई एब्सेंट होता है उसका कुछ नहीं, वो महेश भी नहीं आता है टाइम पे, उसको कुछ नहीं बोलते हो, मैं ही तुमको दिखता रहता हूँ, पूरी कथा कर देगा। करना होता है सुंदरकांड, वो लंका कांड करके आ जाता है और लास्ट में फिर क्या होता है, स्वाहा। ये जॉब इंटरव्यू में भी यही होता है। तो वो कहीं अक्सर क्या होता है, आपका मिस कम्युनिकेशन का पता कैसे चलेगा, जब भी आप किसी से बात करते हो ना, कहीं ना कहीं आप अटकोगे। समझो आपके घर में कौन कौन है? मेरा एक बेटा है, और साला इतना नहीं पता है क्या हमको 10 साल से हमारे परिवार में कितने रहते हैं, बट आप फटाक से नहीं बोल पाएंगे। और 5 नंबर वाले आप देख लेना, जिसका ड्राइवर 5 होता है ना, घर में कौन कौन है, अभी तो मम्मी है, पापा है, भाई गया कॉलेज, फटाक से आंसर। तो ये जो कम्युनिकेशन में किंग होते हैं, जो सामने वाले को बाटली में उतार सकते हैं, अच्छा जो मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे जॉली हो सकते हैं, मजाक मस्ती वाले होते हैं, ये होते हैं 5 नंबर। और मिसिंग 5 में क्या हो जाएगा, वो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसा होता है हमारे से मिसिंग 5 वालों के साथ में कि मजाक मस्ती में हम लोग कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं गंदी, हो सकता है गाली या कोई टोन मार दें, फिर बाद में अफसोस होता है, साला नहीं बोलना चाहिए था यार, पूरा माहौल खराब कर दिया। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मिस कम्युनिकेशन, गलत बात हो जाएगी, या आपसे इंटरव्यू में सामने वाले ने पूछा कि सर आपको सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप वहाँ पे बोल दोगे एक काम करो सर 15,000 रुपये में डन करते, 15,000 चलेगा ही, फिर बाद में साला 25,000 बोलना चाहिए था यार, बड़ा कंपनी था यार, मैंने गलती कर दी। तो देखो आप बोल नहीं पाए राइट टाइम पे, राइट चौका जो मारते हैं दैट इज 5। तो हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए क्या करेंगे, ये 7वें महीने में ध्यान देंगे। तो 7वां महीना जब बुध की बात होती है तो ग्रीन चीजें यूज करो, ग्रीन चीजों में ग्रीन कपड़े यूज करोगे आप, नंबर 1। इसमें भी जूस और फलों का यूज करोगे, बट कोशिश करो कि ग्रीन फ्रूट ज्यादा हो, है ना, या तो ग्रीन क्या करो, सलाद काट काट के खा लो, काकड़ी आती है जो भी आता है, ग्रीन चीजें ज्यादा यूज करो। इससे क्या हो जाएगा, आपका मरकरी एक्टिवेट हो जाएगा, बुध एक्टिवेट हो जाएगा, हरे कपड़े तो पहनने ही है, है ना, और इसके साथ में भगवान को भी चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर आप बोलोगे कि साला 9 महीने के नवरात्रि करवा रहे हो क्या ये पहले महीने में इसकी मंत्र जाप करो, दूसरे महीने इसके जप करो, बट वो आप कर सकते हो, इतना नॉलेज तो आपको है कि कौन सा प्लेनेट कौन से भगवान से कनेक्टेड है, क्या करना चाहिए, है ना। आठवें महीने में वापस आता है चंद्रमा, अगेन तो चंद्रमा में क्या करोगे, वही दूध की बनी हुई चीजें, दूध दही ये चीजें ज्यादा यूज करोगे, पनीर खा सकते हो, मतलब दूध की सारी चीजें आप खा सकते हो, व्हाइट कपड़े अगेन पहनने हैं, और इसके बाद में जो नेक्स्ट मंथ आएगा हमारा 9वां महीना, 9वां महीना जब आएगा ना, तो वहां पर वापस एक्टिवेट हो जाएगा सूर्य, सूर्य एक्टिवेट हो जाएगा 9वें महीने में। अभी 9वें महीने में क्या करोगे, हो सके ना तो जब डिलीवरी का ये जो टाइम आ रहा है उसके पहले जहां पर भी वो फीमेल है या बहन है, उस घर में छोटा मोटा कोई हवन करवा लो, पूरे महीने में 9वें महीने में कर दो हवन करवा लो, किसी पंडित को बुला के 200-500 हजार रुपया दे दो उसको, 5,000 दे दो, बट एक अच्छे से हवन करा दो, एक शांति टाइप का। तो हमको हम ये करेंगे, बट अगर गलती से कोई भी हवन क्यों कराने के लिए बोला गया मालूम है, आपने देखा होगा एक मुर्गी होती है ना, वो भी अपने अंडों के ऊपर बैठ करके उसको तपाती है, तो 9वां महीना एक्चुअली बच्चा तो बन गया अंदर, बॉडी के अंदर तैयार है, लेकिन उस बच्चे को तपाना है, तो वो तपाओगे कैसे, अब चूल्हे पे तो बैठ नहीं सकते हम लोग, तो उस कंडीशन में अगर हम घर में हवन करेंगे किसी न किसी टाइप से, नारियल का हवन कर लो, खुद कर लो बोले, उस हवन से क्या होगा कि घर के अंदर एक गर्मी आएगी, है ना, जो हमको दिखेगी नहीं, हवन की भी एक गर्मी होती है स्पिरिचुअली,
वो गर्मी हमको क्या करेगी, हमारी बॉडी में उसको तपा देगी, है ना। और ये जिसने कर लिया ना, यज्ञ यज्ञ में क्या होगा कि मंत्र जाप होंगे, उसके बाद में अलग अलग जो प्लेनेट हैं भगवान के नाम लिए जाएंगे, तो इससे जितनी भी वो यज्ञ होगा उस यज्ञ की एनर्जी से बच्चे को जो रेडिएशन मिलेगा या फिर किरणें मिलेगी या प्रकाश मिलेगा ना, उससे बच्चा एक अलग लेवल का मजबूत तैयार होगा। आपको पता है एक चीज, माँ बाप सबने देखा है गांधारी, पता है ना गांधारी, गांधारी की आंखों में इतनी रोशनी थी ना, मतलब उस जमाने के लोग अलग तरह के स्पिरिचुअल थे, अलग तरह की चीजें करते थे, तो उसकी आंखों में इतना तेज था ना, इतना तेज कि उसका जो लड़का था दुर्योधन बहुत पावरफुल था, बहुत हद से ज्यादा, वो हमने पढ़ देखा ही है। तो रियल में कैसा होगा, जब भी मूवीज एपिसोड या मूवीज धारावाहिक वगैरह बनाने वालों ने कोशिश की है उसको प्रेजेंट करने का, तो एक्चुअली वो कितना मजबूत होगा। तो ये चीज है, आप कितने मजबूत हो, ठीक है ना। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गलतियां करते हैं, आजकल जो एक नया नाटक चल रहा है कि कोई प्रेग्नेंट है, अच्छे गाने सुनो, कपिल शर्मा देखो, टॉम एंड जेरी देखो, फिर वो लड़का भी बच्चा होगा, वो भी फुद्दू बस हंसता खेलता मस्त रहेगा बस। उसके अलावा भी चीजें हैं, तो कुछ ऐसी चीजें देखो जो मोटिवेशनल हो, और स्पिरिचुअल तो पक्का बनाना। एक चीज याद रखना, जिसके घर में देखो दुनिया में हम लोग कब तक है हमको नहीं पता, शायद कल है नहीं है ये भी नहीं पता, तो एक चीज जरूर करना, अपने घर में कोई एक जना, वो आप भी हो सकते हो, आपका बच्चा हो सकता है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, कोई एक जना इतना स्पिरिचुअल हो जाओ ना, भाड़ में गया वास्तु, भाड़ में गया ज्योति, सब तेल लगाने के, मैं खुद बोल रहा हूँ जबकि मैं पढ़ाता हूँ ये सब, क्योंकि मैं जब लोगों के घरों में गया हूँ ना, 200% वास्तु गलत है, मतलब देख के मुझे लगा कि इस घर के मेंबर आधे जिंदा भी है कि मर गए, ये लेवल के वास्तु भी देखे हैं, बट उस घर में कुछ भी नहीं हुआ यार। जब मेरे सामने लोग बैठे ना, तो 10 लोग बैठे हैं, मतलब 3 परिवार ज्वाइंट रह रहे हैं, सारे बहन भाई उनकी भाभियां वगैरह सब मिलके पूरा, और सबके चेहरे पे अलग मजा है। ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई LIC का कोई FD का पक गया पैसा लेके गया था, बट जो एनर्जी देखी वो, उस बंदे ने 9 लाख का खर्चा किया था, नव चंडी ने, सच चंडी ने, ये ने वो ने सब, लेकिन कंटाल के उसको किसी ने मेरा रेफर दिया कि इनको बुलाओ यार, तुम्हारे वास्तु क्या है ये बताएंगे सर। मैं गया, सब गलत है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम, दूसरा एक बेडरूम था जिसका एग्जैक्ट नॉर्थ में टॉयलेट बाथरूम, मतलब 3 या 4 BHK घर था वो, एंट्री साउथ साउथ वेस्ट का, गूगल पे सर्च कर लेना साउथ साउथ वेस्ट का एंट्री क्या देता है, हर 1.5-2 साल में घर में एक मेंबर मर जाएगा बीमारी से, ठीक ही नहीं होगा, भूल जाना भाई साहब, कुछ भी नहीं मरा है, कोई भी नहीं हुआ है। मैंने कहा क्यों बुलाया है, तो बोले कि सर वास्तु खराब है, मैं पूरे घर में गुस्सा था, मैंने बोला कि यार वास्तु तो खराब है, तो बोले क्या करना है। मैंने कहा कि तुम्हारे घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है क्या, नहीं भाई का एक बिजनेस चल रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा अपडाउन हुआ है, मार्केट ठंडा है। मैंने कहा हेल्थ इश्यू ये वाली है क्या, नहीं, हार्ट अटैक किसी को आएगा, नहीं सर सब आपके सामने। मैंने कहा बाहर में क्या वास्तु, फिर मजे करो। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी तक 10 लोगों को ला चुका हूँ, 1.5-1.5 लाख रुपये की वास्तु का मैंने दिया है, बट कहीं ना कहीं वो एक डर घुस गया है। मैंने कहा तुम्हारा वास्तु खराब हो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे घर में स्पिरिचुअल कौन है, मतलब पूजा पाठ क्या चलता है। तो सब लोग, कोई बोलता है मैं हनुमान चालीसा, कोई बोलता है मैं ये चालीसा, कोई अपने भगवान के मंत्र जाप कर रहा है, कोई भैरव को, कोई शिव को, कोई किसको, मतलब 100 लोगों का पता नहीं घर में ये चीज, ठीक है, सब लोगों का अपना अपना एक रूटीन था। हमारे घर में नॉर्मली क्या हो रहा है मालूम है, कि वो पिताजी होते हैं सुबह ऑफिस निकलते हैं, हम जय जगदीश हरे करके निकल जाते हैं, दो अगरबत्ती जला के ए लेट हो रहा है फटाफट, या तो फिर जो माँ है घर में बड़ी लेडी है वो कंटाल के पूजा वूजा कर लेते हैं। कोशिश करो कि अच्छे से पूजा करो, है ना। अभी ये धर्म ग्रुप का एनिवर्सरी के अंदर, कल तो नहीं बट मंडे को शायद एक और सेशन ला रहा हूँ हनुमान चालीसा के ऊपर, हम जितनी पूजा पाठ कर रहे हैं सब गलत हो रहा है। अब मैं तो इतना बुरा लगा ना, कि कितने लोग पूजा पाठ करें, साला किसी ने सिखाया ही नहीं क्या करना क्या है। तो ये चीजें है ना, तो ये था आज का सेशन, किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर है तो पूछ लो। और एक मैं 2 मिनट और रुक जाओ, मैं कोर्सेज को लेकर के जो आ रहे थे ना अभी, ये वो बता देता हूँ, वास्तु 15 दिन चलने वाला है, न्यूमरोलॉजी भी 15 दिन चलने वाला है, दोनों का प्राइस 6,000-6,000 रुपया है,
और इसमें क्या क्या सीखोगे। तो वास्तु में डे वन से आपको अपना घर का डायग्राम लेके बैठना है, उसको अपन 360 में डिवाइड करना सीखेंगे, है ना, 360 डिग्री में। उसके अलग अलग जोन होते हैं, 16 जोन बांटेंगे, फिर अपन वास्तु शुरू करेंगे। वास्तु जिस दिन शुरू करेंगे तो समझो अपन नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपके घर का डायग्राम आपके सामने है। तो जब भी मैं नॉर्थ के बारे में कुछ भी बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो कि मेरा नॉर्थ अच्छा है बुरा है, आपको पता चलेगा। अच्छा, वहाँ पे जूते पड़े हुए हैं इसके लिए लफड़ा हो रहा है, वहाँ पे ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, मतलब इस कोर्स को खत्म होते होते आप अपने घर का वास्तु सेट कर लोगे। दूसरा चीज, आपको फटाक से याद भी आ जाएगा, मेरी देवरानी का घर में उसका नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ा हुआ है इसलिए, अच्छा ये है वो है, तो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली इसको कनेक्ट कर पाओगे। मतलब मोटा मोटी वास्तु थोड़ा सा प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली मजा आएगा। तो घर कोर्स के एंड होते होते आप वास्तु कंप्लीट कर पाओगे। सबसे बड़ा मजा इसमें क्या आने वाला है कि ये इतना प्रैक्टिकल है कि आपके घर के मेंबर्स को देख के आपको पता चल जाएगा ये इतना जिद्दी क्यों है, मेरा फ्रेंड ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। आपको फटाफट मतलब बातों से, नेचर से आप पकड़ लोगे उसके घर का वो डायरेक्शन डिस्टर्ब है, इतना प्रैक्टिकल होगा वो। और सबसे बड़ा मजा, कुछ मस्तियां भी होंगी इसमें, मस्तियां क्या, कुछ कुछ डायरेक्शन में मैं आपसे गलत चीजें लगवाने के लिए बोलूंगा, फिर घर में तांडव होंगे, फिर आप बोलोगे अरे सर ऐसा हो गया, तो वहां पे आप कनेक्ट कर पाओगे, हाँ यार मतलब वास्तु काम करता है, ये चीज गलत लगी थी इसके लिए ऐसा हुआ, अभी ये लगा के देखते हैं। तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कौन से जोन का वास्तु कितने दिन में एक्टिवेट होता है, मतलब मोटा मोटी आप पूरा ही सीखने वाले हो। अभी नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी भी ऑलमोस्ट पूरा है, कोई टॉपिक उसमें छूटेगा नहीं, और उसमें भी आपको कम से कम 20 डेट ऑफ बर्थ लेकर के बैठना है डे वन, अपनी वाइफ की, बच्चों की, दोस्तों की, सबकी। और जैसे जैसे अपन क्लास में पढ़ेंगे आपको उसके ऊपर काम करना है। जैसे हम लोशुबीड बनाना सीख रहे हैं, तो सबके लोशुबीड, हम मिसिंग नंबर की बात करें सबके मिसिंग नंबर, मतलब आपको बहुत सारा होमवर्क करना है। सरकारी स्कूल याद है किसी को, सरकारी स्कूल में पढ़े हो कि नहीं वैसे पढ़ना है आपको। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो मोटा मोटी पूरा ही है। ऑरा की बात करें, ऑरा स्कैनिंग क्या चीज़ है, ऑरा स्कैनिंग में कॉपर के एयर रोड के साथ में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर ये पानी का बोतल यहाँ पे पड़ा हुआ है ये सही है कि गलत है, आपको नहीं पता। आप जब नॉर्थ में जाओगे अपने घर में, तो नॉर्थ में मैं आपको बोल दूंगा ये स्टिकर लगा दो, आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं मिल रही है सर, 3 महीने हो गए, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे ऑरा स्कैन करके ये चेक कर सकते हो कि नॉर्थ का एनर्जी कम है ज़्यादा है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्योंकि मेरे लिए पीछे पर्दा लगा हुआ है, बट हो सकता है ये पर्दा लगाने के बाद भी यहाँ की एनर्जी कम होगी, तो पता कैसे चलेगा। तो दैट यू कैन कैलकुलेट, सामने कोई आके खड़ा हो गया उसको भी आप स्कैन करके देख लो कि इसका मूड कैसा है, डाउन है, क्यों डाउन है, घर पे प्रॉब्लम हुआ है, ऑफिस में मजाक मारी है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन वो वहां पे दे सकता है। आपने घड़ी पहनी है, सूट कर रही है नहीं कर रही है, ये पहना है या कोई स्टोन पहना है, तो जो भी पहना है वो आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा, सारे चीज है। इवन आप अपने लकी कलर्स, लकी आपके भगवान इष्ट देवता कौन है, मतलब सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी में क्या होने वाला है कि कई बार आपने देखा हो, ग्राफोलॉजी कंपलसरी सीखना अगर मेरा कहना मानो तो। क्यों सीखना है, क्योंकि मैंने पर्सनली जितना एक्सपीरियंस किया ना उसमें, तो फॉर एग्जांपल आपने वास्तु सीख लिया, न्यूमरोलॉजी सीख लिया, और फिर आपको अपनी वाइफ का, अपने बच्चे का पता चलता है यार वो बहुत डाउन है, बातें नहीं करता है, कुछ बता भी नहीं रहा, उदास के उदास रहता है, तो इस कंडीशन में आप न्यूमरोलॉजी के सारे रेमेडीज कर लो बट फिर भी वो कुछ बता नहीं रहा है, और उसके दिल में चल क्या रहा है कैसे पता करोगे। हो सकता है किसी लड़की ने उसको नाम बोल दिया हो, इसलिए रो रहा हो, डाउन हो, कुछ ही हो सकता है, किसी टीचर ने उसको परेशान किया हो स्कूल में, ये भी हो सकता है, तो ये पता कैसे चलेगा। तो उस समय उसकी हैंड राइटिंग अपन उठा लेंगे और हैंड राइटिंग से पता करेंगे कि हुआ क्या है, तो वहां पे दिख जाएगा कि वो इमोशनली क्या, हाँ डिस्टर्ब है, या उसको कोई चीज अंदर के अंदर खा रही है, मम्मी ने मारा था, पापा ने डांट दिया था, या क्या हुआ था, तो वो चीजें वहां पकड़ में आएंगी। मतलब हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा उदास भी हो सकता है, हंसता खेलता भी हो सकता है, वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है या जो भी है, तो अंदर की चीजें आप सिर्फ और सिर्फ इससे पता कर पाओगे ग्राफोलॉजी से। उसमें अपन सिग्नेचर भी देखेंगे, सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, और राइटिंग से भी अपन पकड़ेंगे कि 15 लाइन में बच्चे का या आपका या मेरा, एक अपन ब्लैंक पेपर पे 15 लाइन लिख देंगे और उससे पता करेंगे कि क्या है। आपको चाहिए तो डेमो भी अरेंज कर दूंगा मैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी पता ही है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से काफी
चेंजेस आ गए लोगों के, काफी अच्छा रिजल्ट आया है, तो ऊपर वाले की रहमत है और आप सब लोगों का सपोर्ट है। और क्या बचा, उसके साथ में कुछ दो तीन टॉपिक फ्री चलेंगे हर कोर्स में, और जो बोला गया उससे ज्यादा ही आपको सिखाया जाएगा, है ना। ये है ओके, नाउ किसी के पास क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर दीजिए, मैं एक एक को अनम्यूट कर देता हूँ।